हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी नंबर 4 रुस्तम एंड सोहराब के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और स्टडी मटेरियल लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज रुस्तम नॉट एबल टू लिव विथ हिज वाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों रुस्तम अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता था बहुत समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम। Answer is Rustum was not able to stay with his wife because the king of the Persia called him back as he felt unsafe without Rustum. वो इसीलिए अपनी वाइफ से नहीं रहना चाहता बहुत समय तक क्योंकि उसे पर्शिया के किंग ने वापस बुला लिया था अपनी सेफ्टी के लिए, वो उसके बिना सेफ फील नहीं कर रहा था। Rustum was called the shield of Persia, so he had go away for his wife who was then in a family way. Rustum को shield of Persia कहा जाता था, पर्शिया का डाल। So he had go away from his wife. So इसे अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ा ताकि वो अपने बादशाह पर्शिया के बादशाह को हिफाजत करे। Second question is why was Tanima send words to Rustum that her child was a daughter? क्यों तानिमा ने बोला रुस्तम को that जो उसका child है वो daughter है, वो बेटी हुई है। Answer is Tanima knew that when the boy grew up Rustum would be eager to have follow in his footsteps. In this way she should lose her son like she lost her husband. So he sent words to Rustum that her child was a daughter. वो इसीलिए तानिमा ने इसीलिए अपने हस्बैंड रुस्तम को बोला कि जो चाइल्ड हुआ है ये डॉटर है, क्योंकि वो चाहती थी, उसको पता था कि अगर ये मैं उसको बोलूँ बॉय हुआ है, बेटा हुआ है, तो वो उसको अपने रास्ते पर चलाएगा, अपने फुटस्टेप्स पर, तो वो अपने हस्बैंड की तरह सन को भी, अपने बेटे को भी खो देगी। इसीलिए उसने तानिमा ने अब रुस्तम को बोला जो चाइल्ड हुआ है वो बेटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट सीक्रेट डिड सोहराब लर्न फ्रॉम हिज मदर। सोहराब ने क्या सीक्रेट अपनी माँ से सीखा था। आंसर इज सोहराब लर्नड द सीक्रेट ऑफ हिज फादर्स नेम दैट ही हैज बीन हिडन फ्रॉम हिम बाय हिज मदर फॉर सम रीजन। सोहराब ने अपनी माँ से एक सीक्रेट सीखा, वो क्या था, अपने फादर का नाम जो उसने उसकी माँ ने उसे छुपाया था किसी कारण के, किसी रीजन से, तो उसने यही सीक्रेट अपनी माँ से सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 इज What did Tanima want Sohrab to do when he meets his father? Tanima ने अपने बेटे सोहराब को क्या कहने को करा जब वो अपने फादर से मिलेगा? Answer is Tanima wanted Sohrab to show his father the precious stone that he had worn on his arm. Tanima चाहती थी सोहराब से कि वो उस अपने फादर की वो कीमती पत्थर, कीमती स्टोन पहने अपने आर्म पर। Because this stone was given to her by Rustum. क्योंकि वो स्टोन रुस्तम ने दिया था इस तानिमा को, सोहराब्स फादर। बाय डूइंग दैट हिज फादर वुड ईजिली रिकॉग्नाइज हिम। और ऐसा करने से उसका जो फादर है वो आसानी से उसको पहचान जाएगा, पहचान लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई वॉज रुस्तम एज फर्स्ट नॉट रेडी टू फाइट सोहराब। क्यों जो रुस्तम है वो पहले सोहराब से फाइट नहीं करना चाहता था, वो तैयार नहीं हुआ था सोहराब के साथ फाइट करने का, लड़ाई करने का। आंसर इज रुस्तम वॉज टू ओल्ड टू फाइट ए यंग ब्रेव मैन। क्योंकि जो रुस्तम था वो ओल्ड हो चुका था एक बहादुर ब्रेव मैन से अब फाइट करने का, एंड ही हैज एन एजड फादर। और उसका जो फादर था सोहराब का वो भी थोड़ा एजड था, थोड़ा बूढ़ा हो गया था। टू लुक आफ्टर सो ही रिफ्यूज टू फाइट सोहराब। और इस तरह इस मद्देनजर को रखते हुए उसने रिफ्यूज़ मना कर दिया लड़ाई करने का सोहराब से। क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई वॉज रुस्तम नॉट टेल सोहराब हु ही वॉज। क्यों जो रुस्तम है वो सोहराब से नहीं बोल रहा था कि वो कौन है असल में। आंसर इज रुस्तम थॉट दैट द यंग मैन वॉज ट्राइंग टू बी क्लेवर। जो रुस्तम सोच रहा था जो ये यंग मैन है, ये जो सोहराब है, वो बहुत क्लेवर चालाक बनने की कोशिश कर रहा था। इफ ही हैड टोल्ड द ट्रूथ सोहराब माइट वांट टू मेक पीस विथ हिम। अगर वो उसे सच्चाई बोल देगा जो सोहराब है वो थोड़ी सी नरमी करेगा, थोड़ा सा अमन करेगा रुस्तम के साथ, एंड विद द फाइट और लड़ाई करना भी मना कर देगा। इसीलिए जो रुस्तम है वो सोहराब को नहीं बताया कि वो असल में कौन है। 7th क्वेश्चन इज हाउ वाज सोहराब वाउंडेड। सोहराब किस तरह जख्मी हुआ। Answer is when Rustum shouted his unusual war cry, Sohrab was unnerved and he dropped his shield. जब रुस्तम ने जोर से चीखने की आवाज़, रोने चीखने की आवाज़ सुनी रुस्तम की, तो सोहराब ने सारा जो कॉन्फिडेंस था वो लूज़ कर दिया, एंड ही ड्रॉप हिज शील्ड। और उसका जो शील्ड था, डाल था, वो भी ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, नीचे गिरा दिया। रुस्तम्स स्वॉर्ड प्रीसड हिज साइड एंड ही सैंक टू द ग्राउंड। इन हिज वे ही वॉज वाउंडेड। जो रुस्तम की तलवार थी वो नीचे ज़मीन पर गिर गई, और जो जब रुस्तम ज़मीन पर गिरा तो उसे उस तलवार से जख्मी हुआ, तो इस तरह से जो रुस्तम था वो जख्मी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट वाज सोहराब्स लास्ट वर्ड्स।
रुस्तम के बेटे सोहराब के लास्ट वर्ड्स, आखिरी अल्फाज क्या थे? आंसर इज सोहराब आस्कड़े विश फ्रॉम रुस्तम टू कैरी हिम टू हिज होम। सोहराब ने विश किया, एक दरख्वास्त रखी रुस्तम के ऊपर, रुस्तम को बोला कि मुझे अपने ऊपर कैरी करे, उठाए और मुझे घर ले चले। एंड बुरी हिम डियर सो दियर ऑल पासिस बाई वुड से हियर लाई द माइटीज रुस्तम सन हु वाज किल्ड बाय हिज फादर इन इग्नोरेंस, और मुझे अपने घर के पास ही दफन करे ताकि जब शहर कोई गुजरे वहाँ से तो वो कहे ये माइटी बहादुर रुस्तम का बेटा था जिसको अपने ही फादर ने किल किया इग्नोरेंस में, क्योंकि वो उन्हें ये नहीं जानता था कि ये मेरा ही बेटा है। इग्नोरेंस मीन्स लैक ऑफ नॉलेज, उसको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था ये कौन है, मैं किसके साथ फाइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बी इज फाइंड वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दी हुई हैं, उसके नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, अब इन वर्ड्स को ये और फ्रेजेस को उन एक्सप्रेशंस के साथ जोड़ना है। आंसर्स आर फर्स्ट को आएगा कॉम्बैट, सेकंड प्रोटेक्ट, थर्ड को आएगा पार्टिंग, फोर्थ को आएगा सेंड वर्ड्स, फिफ्थ को आएगा डिटरमाइंड, सिक्स्थ को आएगा सेंड फॉर, सेवन्थ को आएगा इन्वेडर, एट्थ को आएगा डिस्टेंट, नाइन्थ को आएगा ब्रेक डाउन, टेंथ को आएगा प्रेशस, अलेवेंथ को आएगा चीफ, ट्वेल्थ को आएगा बोरी, एंड लास्ट वेरी पावरफुल को आएगा माइटी। क्वेश्चन नंबर सी इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो द आंसर्स आर फर्स्ट को आएगा द किंग ऑफ परिशा, सेकंड को आएगा द चैलेंजर, थर्ड को आएगा तानिमा, फोर्थ को आएगा रुस्तम, एंड द फिफ्थ को आएगा सोहराब। क्वेश्चन नंबर डी इज मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द एक्सप्लेनेशंस इन कॉलम बी। मैच द कॉलम्स दी हैं, वर्ड्स दी हुई है कॉलम ए में और उनकी एक्सप्लेनेशन कॉलम बी में दी हुई है, अब इनको सही से मिलाना है। आंसर्स आर फर्स्ट इज वार क्राई, इसका आंसर है सिक्स पार्ट, ए वर्ड और क्राई शाउटेड इन बैटल। बी पार्ट इज चैलेंजर, इसका आंसर है वन हु कॉल्स समवन फॉर द फाइट। सी पार्ट इज आर्ट ऑफ वार, इसका आंसर है स्किल इन द यूज ऑफ वेपन्स एंड इन फाइटिंग। डी पार्ट इज चैंपियन, इसका आंसर है वन हु फाइट्स फॉर और डिफेंड्स समवन सम अदर पर्सन। ई पार्ट इज स्वॉर्डमैनशिप, इसका आंसर है स्किल इन द यूज ऑफ द स्वॉर्ड्स। एफ पार्ट इज स्प्रिट, इसका आंसर है क्वालिटी ऑफ कॉरेज एंड विगर। जी पार्ट इज टेरर, इसका आंसर है ग्रेट फियर। एच पार्ट इज कलैप्स, इसका आंसर है होल्ड टाइटली। आई पार्ट इज अमेज्ड, इसका आंसर है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। लास्ट वन इज एम्बिशियस, इसका आंसर है ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस पावर और वेल्थ। नेक्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है नाउ कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस विद अनलेस एज शोन इन एग्जांपल्स। ऊपर कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, अब उन इन सेंटेंसेस को अनलेस से जोड़ना है और लिखना है। आंसर्स आर फर्स्ट इज यू मस्ट रन फास्ट, बी पार्ट ओनली देन यू कैन कैच द ट्रेन, इसका आंसर है अनलेस यू रन फास्ट यू कॉन्ट कैच द ट्रेन। सेकंड यू मस्ट वर्क हार्ड ओनली देन यू गेट द फर्स्ट क्लास, इसका आंसर है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कॉन्ट गेट ए फर्स्ट क्लास। थर्ड इज यू मस्ट हरी अदरवाइज यू विल नॉट कैच द बस, इसका आंसर है अनलेस यू हरी यू कैन नॉट कैच द बस। फोर्थ इज यू मस्ट डू एज आई टेल यू अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट, इसका आंसर है अनलेस यू डू एज आई टेल यू यू वॉन्ट टू रिग्रेट इट। फिफ्थ इज यू मस्ट टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम ओनली देन कैन आई गिव यू सम सोल्यूशन, इसका आंसर है अनलेस यू टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम आई कॉन्ट गिव यू सम सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर बी इज नाउ मैच ईच क्लास फ्रॉम कॉलम ए विथ अ क्लास फ्रॉम कॉलम बी एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस लाइक दोज एबो। मैच द कॉलम्स दी हुई है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। आंसर्स आर फर्स्ट इज इफ आई हैड वर्कड हार्डर, इसका आंसर है डी पार्ट आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। सेकंड इज इफ द ड्राइवर इन फ्रंट हैड स्टॉप्ड सो सडनली, इसका आंसर है ए पार्ट द एक्सीडेंट वुड हैव बीन वुड नॉट हैव हैपनड। थर्ड इज इफ द डॉक्टर हैड नॉट बीन सो बैड, इसका आंसर है ए पार्ट वी कुड हैव गॉन आउट। फोर्थ इज इफ यू हैव अराइव्ड अर्लियर, इसका आंसर है बी पार्ट यू वुड हैव सीन हर। फिफ्थ इज इफ यू हैड मूव्ड द इंजरी टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, इसका आंसर है सी पार्ट यू मस्ट हैव सेव्ड हिज लाइफ। सिक्स्थ इज इफ यू हैड नॉट लेट मी द मनी, इसका आंसर है ई पार्ट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू बाय द कार। नेक्स्ट सेक्शन इज ग्रामर वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एबो पैटर्न रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इनडायरेक्ट। नीचे कुछ नरेशन दी हुई है, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। फर्स्ट इज शी सेड माई फादर विल रिटर्न फ्रॉम जम्मू टुमारो, इसका आंसर है शी सेड दैट हर फादर वो रिटर्न फ्रॉम जम्मू द नेक्स्ट डे। सेकंड इज दे सेड वी विल डाई फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, इसका आंसर है दे सेड दैट दे वुड डाई फॉर द सेक ऑफ दियर कंट्री। थर्ड इज द टीचर सेड बाबर वन द बैटल ऑफ पानीपत, इसका आंसर है द टीचर सेड दैट बाबर हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत।
फोर्थ इज आई सेड टू हिम दे हैव मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसका आंसर है आई टोल्ड हिम दैट ही हैड मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ इज दे सेड टू मी विल वी प्ले अ गेम मैच टुमारो, इसका आंसर है दे टोल्ड मी दैट दे वुड प्ले अ मैच द नेक्स्ट डे। सिक्स्थ इज आई सेड टू हिम आई एम एन अर्ली राइजर, इसका आंसर है आई टोल्ड हिम दैट आई एम एन अर्ली राइजर। सेवन्थ इज ही सेड माई फादर डाई लास्ट ईयर, इसका आंसर है ही सेड दैट हिज फादर डाइड द प्रीवियस ईयर। एट्थ इज ही सेड टू मी द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट सूट मी, इसका आंसर है शी टोल्ड मी दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस डिड नॉट सूट हर। नाइन्थ इज आई सेड टू द पियोन ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डनड इफ ही कन्फेस देम, इसका आंसर है आई टोल्ड द पियोन दैट ऑल हिज फॉल्ट्स वुड बी पार्डनड इफ ही कन्फेस्ड देम। लास्ट वन इज आई सेड आई शैल फिक्स माई वर्क एज अर्ली आई कैन, इसका आंसर है आई सेड दैट आई शुड फिनिश माई वर्क एज अर्ली एज आई कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द पैटर्न चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू डायरेक्ट स्पीच, पैटर्न का यूज करके इस सेंटेंसेज को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फर्स्ट इज द एम्प्लॉयर वार्नड हिम दैट ही वुड बी डिसमिस्ड इफ ही डिड नॉट अटेंड द ऑफिस, इसका आंसर है द एम्प्लॉयर सेड टू हिम यू विल बी डिसमिस्ड इफ यू डू नॉट अटेंड द ऑफिस। सेकंड इज संजय सेड दैट हिज मदर हैड नॉट मेट एन एक्सीडेंट द प्रीवियस डे, इसका आंसर है संजय सेड माय ब्रदर मेट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे। थर्ड इज आई इन्फॉर्मड हिम दैट आई माइट नॉट कम द नेक्स्ट डे, इसका आंसर है आई सेड टू हिम आई मे नॉट कम टुमारो। फोर्थ इज द प्रिंसिपल अनाउंसड दैट द नेक्स्ट डे विल बी अ हॉलीडे, इसका आंसर है द प्रिंसिपल सेड टुमारो विल बी अ हॉलीडे। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ द टीचर टोल्ड अस दैट वी वर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, इसका आंसर है द टीचर सेड टू अस यू आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इस तरह से सारा ये जो चैप्टर है ये हुआ कंप्लीट। अगर आप सारे चैप्टर्स और या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखना चाहते हो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें तो वहाँ पर सारे चैप्टर्स यू कैन के हिसाब से मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चेक देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।